कृषि मंत्री ने वर्चुअल संवाद किया। वर्चुअल संवाद नहीं होता, संवाद नहीं कहते उसे। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कह दी, किसान के मन की बात कहाँ आई? तो मतलब किसानों के मन की बात सुनने की जरूरत नहीं है। संदीप जी आप खालिस्तानियों के प्रवक्ता मत बनिए। तो बड़े उद्योगपति घराने आएंगे, किसान के साथ करार करेंगे, किसान के हाथ में कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। देश में कुछ पत्रकार हैं जो आज भी डिबेट के जरिए सरकार के नेताओं से देश में चल रहे मुद्दों पर तीखे सवाल करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि देश में किसान सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने भी डिबेट की और बीजेपी नेताओं से तीखे सवाल भी करते दिखे। किसानों के साथ सरकार के संवाद से पहले न्यूज 24 पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में बीजेपी नेता सरकार ने किसानों के लिए क्या किया वह उपलब्धियां बता रहे थे। तभी संदीप ने उनसे एक तीखा सवाल किया, जिसके बाद बीजेपी नेता ने उन्हें ही खालिस्तानी समर्थक बता दिया। 23 क्रॉप पर एमएसपी मिलती है, 7 सीरियल्स पल्सेस और फिर करीबन 8-10 ऑयल सीड्स। अच्छा। मुझे बताइए कि पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने 7 लाख करोड़ की एमएसपी दी है। 7 लाख करोड़, 7 लाख, 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। संजू, क्या ये कम है? एक मिनट, ये 7 लाख करोड़ का आंकड़ा जो बता रही है ना संजू, ये 2015 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट थी, आप ही की सरकार ने बनाई थी। 6% किसानों को एमएसपी मिलता है इस देश में। मोदी किसान के साथ है, विपक्षी नेता मोदी के साथ नहीं है। तो इनसे बात मत करो, भड़का रहे हैं। और अगर ये भड़काए हुए किसान है तो इनसे बात करने की क्या जरूरत है? तो मतलब किसानों के मन की बात सुनने की जरूरत नहीं है। संदीप जी आप खालिस्तानियों के प्रवक्ता मत बनिए। संदीप जी, आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। संजू वर्मा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं है आप। अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेकर घूमिए। अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेकर घूमिए। ठीक है, सवाल से शायद बीजेपी नेता घबरा जाते हैं, इसी वजह से वह असल पत्रकारों से संवाद नहीं करते। वह गोदी मीडिया के चैनलों पर डिबेट में ज्यादा ही देखते हैं। संदीप ने किसानों के मुद्दे पर की एक और डिबेट में बीजेपी नेता से सरकार द्वारा किसानों को ना समझने को लेकर सवाल किए, जिस पर बीजेपी नेता सरकार द्वारा लाए कानूनों पर मंत्रियों की राय लेने का जिक्र करते रहे, पर संदीप उन्हें बिल लाने से पहले किसानों से बात ना करने को लेकर खेलते नजर आए। किसान क्या सोचते हैं, किसानों को समझाना कैसे? तो समझाया क्यों नहीं? 70 दिन आपने समझाया नहीं, हाई हॉर्स पर रहे कि नहीं हमने जो कर दिया ये बिल्कुल किसानों के हित में है। किसानों के मन की बात सुनने में देरी की क्या? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। नहीं, संदीप जी, तीन बार संवाद। देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया किसानों के साथ, देश के कृषि मंत्री ने वर्चुअल संवाद किया। वर्चुअल संवाद नहीं होता, संवाद नहीं कहते उसे। उसे आपने एक भाषण दे दिया, संबोधन कर दिया, उसमें प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कह दी, किसान के मन की बात कहां आई? उसमें संवाद क्या होता है? डायलॉग होता है ना संदीप जी। हाँ। संदीप जी, मैं एक मीटिंग का उल्लेख कर सकता हूँ, कब कब किस मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसानों से, किसान संगठनों से कब बात की? कि संवाद नहीं किया आपने, भाषण दिया। मैं कह रहा हूँ आपसे इंटरेक्शन हुआ बकायदा माइक, तो मुख्यमंत्रियों से हुआ, किसान संगठनों से कब हुआ? सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही, इसलिए तो वे आज प्रदर्शन करने को मजबूर है, क्योंकि सरकार किसानों का भरोसा नहीं दिलवा पा रही। इस पर ही न्यूज 24 की डिबेट में चर्चा हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा ने किसान और बड़े उद्योगपतियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी खारिज करने की बात कही, जिस पर संदीप ने संबित को करारा जवाब दिया, जिसके बाद संबित के तेवर ही बदल गए। कानून में कहां लिखा हुआ है कि आपकी जमीन के ऊपर करार होगा? जमीन के ऊपर ना तो लीज जमीन पे जाएगी, ना तो जमीन पे कोई करार होगा, प्रोड्यूस पे करार होगा, और बिना किसी पेनाल्टी के जब चाहे किसान उस करार से निकल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है। तो बड़े उद्योगपति घराने आएंगे, किसान के साथ करार करेंगे, किसान के हाथ में कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। वो जाकर अदालतों के सामने खड़ा रहेगा कि आप कह रहे हैं जी वो करार बदल दे। आज की तारीख में संवेद, ये कंपनियां चल रही है ना, ये आलू खरीदती हैं, चिप्स वाली, पूरी बात सुन लीजिएगा, मैं पूरा रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। अब वो आलू 40 रुपए किलो अगर बिकने लगा तो वो 30 रुपए का करार है, भाग भाग कर करार पूरा करते हैं, पर आलू 2 रुपए में बिकने लगा तो वो 30 रुपए बिल्कुल नहीं देते कि जी आपका आलू सड़ गया, काला हो गया, गल गया, फलाना हो गया, दिखड़ा हो गया, और कुछ नहीं कर सकता किसान। मैं बिल्कुल जमीन की बात बता रहा हूं आपको। देखिए, इसी को परिवर्तित करना है ना संदीप भाई, आपने सही बातें बताई। ये इतने वर्षों से हिंदुस्तान के किसान को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था। खैर, पत्रकारों के तीखे सवाल के आगे बीजेपी नेता अक्सर घबरा ही जाते हैं।
खुदी मीडिया के पत्रकार भी अगर थोड़े तेवर तीखे कर लेते हैं तब भी वह ठीक से उसका जवाब नहीं दे पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।